अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर नंबर 24 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन 4x इक्वल 13x प्लस 14 स्केयर रूट माइनस 3। इसको मैंने अपनी सहूलत के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें बारी बारी पुट करनी है। नेक्स्ट मैं माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे ले आया तो इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हमने स्केयर रूट ख़त्म करना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इस साइड पे हम 4x प्लस 3 का स्केयर a प्लस बी स्केयर वाले फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे a वाली जगह पे 4x है और b वाली जगह पे 3 है, तो ये आ जाएगा ए स्केयर यानी 4x स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर यानी 3 का स्केयर इक्वल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 13x प्लस 14 वैसे का वैसा हमने यहाँ रीराइट कर दिया। नेक्स्ट 4 का स्केयर होता है 16 और x का स्केयर 16x स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 24x, 3 का स्केयर होता है प्लस 9, 13x को हम इस साइड पर ले आए तो ये माइनस 13x, प्लस 14 को इस साइड पर लेके आएंगे तो माइनस 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 16x स्क्वायर को हमने वैसे रीराइट कर दिया, 24x में से 13x माइनस कर दें तो बच्चे का क्या 11x, तो 9 में से 14 माइनस करें तो माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स इस तरह से बनाते हैं बनाने होते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आता है माइनस 80। अब हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आए, ऐड या सबट्रैक्ट करें तो 11x आए, तो मैंने वो नंबर ढूंढे हैं 16 और माइनस 5, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 80 आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस 11 एक्स आता है। तो अब हम पेयर को एक्स के साथ लिखेंगे, ये वैसे का वैसा हम रीराइट करेंगे तो 16x माइनस 5x और ये वाला माइनस 5 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से 16x कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा एक्स प्लस 1, तो यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 16x और यहाँ बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो ये अलहदा भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये प्लस 1 0 वाली साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 वाली साइड पे, 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 5/16। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और चेकिंग करेंगे कि क्या ये इस इक्वेशन के रूट हैं या नहीं। हमने करना क्या है कि x की वैल्यू को इसमें पुट करने, तो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग-अलग करना है, कोई वैल्यू इधर से उधर या उधर से राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट नहीं लेके जानी, लेफ्ट को अलग और राइट को अलग सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो फिर वो x की वैल्यू इसका रूट होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता तो फिर वो वैल्यू x की जो है वो इसका रूट नहीं होगी। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक वैल्यू मैं पुट करूंगा और आप एक आप करेंगे, आपके लिए वो असाइनमेंट होगी। तो चेकिंग करते हैं हम, तो मैंने किया कि पुट x इक्वल टू 5/16, तो मैं इसको चेक करूंगा, इसको आप चेक करेंगे। पुट x इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैंने 5/16 वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है 5/16 पुट कर दिया, तो ये 4 1 4 4 4 16 5/4 आंसर आ गया। तो यहाँ पे 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, और ये साथ ही साथ मैंने इसका एलसीएम भी ले लिया, 16 एलसीएम आता है ना, तो ये फिर ये 65 वैसे का वैसा आ जाएगा, 1 16 16 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5, तो -3 उसी तरह से आ गया। नेक्स्ट हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आता है 2 8 9 और इसका स्क्वायर रूट, ये वाला वैसे का वैसा हम साथ साथ लिखते जाएंगे, तो 289 का स्केयर रूट होता है 17 और 16 का स्केयर रूट होता है 4, तो -3। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 होगा, 4 1 4 17 1 17, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, इस तरह 17 में से -12 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, राइट हैंड साइड भी वही है, तो लिहाजा जो वैल्यू हमने पुट की थी जिसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है वो वैल्यू है
5/16। तो लिहाजा 5/16 जैसे क्वेश्चन का रूट है और इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो जब आप इसको चेक करेंगे इसी तरह से, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। तो अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो फिर एक्स की ये वैल्यू इसका रूट नहीं होगी, वो एक्सटेनियस रूट होगी, यानी फालतू रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 100 स्केयर रूट माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम उसी तरह से दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, माइनस एक्स को राइट साइड पे ले आए हैं, तो इधर आगे प्लस एक्स हो गया। टेकिंग स्केयर या स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। इस साइड को हम a प्लस बी स्केयर वाले फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, a वाली जगह पे x और b वाली जगह पे 4 है। इसको हम वैसे का वैसा ही रीराइट करेंगे, तो ए स्केयर प्लस 2ab, यानी a x है और b 4 है, प्लस b का स्केयर। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट साइड पे जीरो बनाया, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से सारी वैल्यू राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दी हैं, तो एक्स स्केयर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x, 4 का स्केयर होता है 16, तो ये प्लस 3 इधर जाके माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 100 उधर जाके माइनस 100 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने इसको सिंपलीफाई भी कर दिया है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 18x में से 3x निकाल दें प्लस 5x, और इसी तरह 16 में से माइनस 100 करें तो माइनस 84 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। मैंने यहाँ पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशेंट हो, यहाँ 1 है, 1 को 84 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर माइनस 84। हमने दो पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 84, ऐड या सबट्रैक्ट करें तो प्लस 5, तो वो पेयर है प्लस 12 और माइनस 7। तो ये वैसे का वैसा आ गया, प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस 12, यहाँ से माइनस 7 आ गया तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो ये अलहदा भी 0, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल है, अलहदा भी 0 के इक्वल। अच्छा, प्लस 12 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा, तो इसी तरह माइनस 7 को उस साइड पे लेके जाएंगे प्लस 7 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ x की जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट हैं या नहीं। चेकिंग, तो मैं ये सबसे पहले मैं पुट करूंगा x इक्वल टू माइनस 12 इन इक्वेशन 1। तो मैंने इक्वेशन 1 को उठा के यहाँ रख दिया, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने माइनस 12 पुट कर दिया। माइनस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36, और प्लस 100 वैसे का वैसा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 12 इक्वल टू 4। अच्छा, 100 में से माइनस 36 करें तो 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और 12 वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा, 12 प्लस 8 20 नॉट इक्वल टू 4। अब 24 के इक्वल नहीं आता, तो लिहाजा जिस वजह से ये इक्वल नहीं आया वो है x माइनस 12। इस लिहाजा x माइनस 12 जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये एक्सटेनियस रूट है। एक्सटेनियस का मतलब होता है फालतू। तो अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब हम दोबारा पुट करते हैं x की वैल्यू 7 जो हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन हम दोबारा यहाँ रीराइट करेंगे और जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 7 पुट कर देंगे। 7 3 21 में 100 ऐड करें, 121 माइनस 7 इक्वल टू 4। 121 का स्केयर रूट होता है 11, माइनस 7 इक्वल टू 4। बाकी सारा वैसे का वैसा रीराइट कर रहा हूँ। 11 में से माइनस 7 करें तो 4 इक्वल टू 4। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, कब, जब हमने x इक्वल टू 7 पुट किया, तो लिहाजा x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू जो 7 है वो इसका रूट है, और इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।